गड्डी कार दी। अरे मेरी जान, अगर ना उठ रिया तो हम उठवा दे पहलवान हमारे साथ। बोल कैसे रिया, कौन पे ऐसा चौटा मारूंगी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। 20 किलो बादाम की बोरी लोंडे को रोज खिलवा रही हूँ, एक हाथ से यूं उठा देगा बताओ। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो हैंगी, बहू ना है, उठवा लो। सुअर बीच गाड़ में ऐसी दराती मारूंगी दोनों चूतड़े से खिल जाएंगे। यार सुनो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं यार वो पापा से ना कहते हकीम जी से, बहुत मारेंगे यार उन्होंने अगर घर कह दिया तो। अबे यार, अगर वो तुझसे मोहब्बत करती होगी ना, अगर प्यार करती होगी सच्चा, वो घर नहीं कहने की अपने, ना तेरी शिकायत करने की। वो मैंने तो उसकी आंखों में तेरे लिए मोहब्बत देखी, वो तो मुझे देख के शर्मा गई, अन्नी तो वहीं गुंजे पिटवा लेती वो तुझसे अपनी। चल चल चल। अबे यार कल को मेरा यार पेपर है, सुबह उठना पड़ेगा। अबे उसकी अम्मी आ रही है, अब उन्होंने अपने घर कह दी थी यार अम्मा गया, मेरे पापा बहुत मारेंगे यार मुझे। अबे यही माफी तलाफी कर ले इनसे, ताई से यही माफी मांग ले, यही केस को रफा दफा कर दे। बस सही कह रही है यार तू, आ अरे उठा दूं क्या? अंधे तुझे दिख नहीं रहा, गड्डी पहले से उठी हुई है। अरे तो मैं कब गड्डी को कह रहा हूँ, तुम्हारी टांग उठा दूं क्या? देख तू मुझसे फालतू बात मत करे कर। सुनो तो एक बात पूछ ली तुमसे। हाँ पूछ। तुमने घर क्यों ना कहा मुझसे प्यार करोगे तुम? मैंने शिकायत इसलिए ना करी क्योंकि तुम दोनों को लंबे केस में फंसवाऊंगी। लड़ा तूने फंसवा दिया बेटे, अगर मैं फंसा ना तुझे जरूर फंसवाऊंगा। वो भैया जब तू इससे मोहब्बत करा है तो मोहब्बत का इजहार तो कर इससे। मैडम मैडम सुन लो, मैडम मैं जो ना तुमसे प्यार करूं। तुझे प्यार के 3 शब्द भी पता? 3 शब्द की बात कर रही हो, पूरी किताब बता मुझे। चल बताइए कैसे हुआ प्यार। पहले बता, हम जो ना ऐसी बात करेंगे जैसे आप कर रहे हैं, और फिर तुम मुझे अपना नंबर दोगी, फिर बड़ सब तो बात होगी अपनी, फिर तीसरे दिन जो ना करण की दुकान पे किस करेंगे, चौथे दिन तुम्हारी ईख में लाकर जो ना गुंजे पीट दूंगा, दरी तुम ले जाओ। ये हो गया क्या प्यार? ये तो शादी के बाद की बात है, वो बोलना आई लव यू। अच्छा आई लव यू दो। हकीम मैं बाहर को, तेरे नाम का वारंट है। अरे दरोगा साहब नमस्कार, आज अंदर को आयो, अरे चाय बनी है जरा तेज पत्ते की, आजो। है बे कुत्ते हरामी, तू लोगों को दवाई देगा उन्हें खराब कर दिया। डिग्री दिखा, डिग्री कहाँ तेरी डिग्री? डिग्री ये देखो, आज का तापमान 23 डिग्री है। कुत्ते तुझे ये नहीं पता मेरा तापमान 100 डिग्री है? अब कितना पढ़ा लिखा वो बता। ऐसे ऐसे तो मैंने MBBS कर रखी है, माय नेम इज डॉक्टर MBBS, नॉट डिजाइंड फॉर यूज इन सीरम पंप्स, रिज्यूम मी लेट टू इन्फेक्शन। अरे इस डब्बे को अपने पास रख लेना, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, कमर में ऐसा घूसा मारूंगा ना आ करेगा। चल थाने को चल। फोन आ गया मेरे, फोन तो उठा लूं? हाँ उठा, किसी कॉल है? ग्राहक है अपना पेशेंट। हेलो हेलो, अरे मुबारक हो हकीम जी, 2 लौंडे हुए भाई। हाँ वो भी गुस्सा है, और मामला 3 इंच का था, 7 का हो गया। अरे कल को आऊंगा छोटे वाले भैया की दवाई दिलवाने। आ जियो कल को आ जियो, अब तो मैं तकलीफ में हूँ, थाने जा रही हूँ। किसकी कॉल है, मेरी बात करवा। ये हमारे लियाकत भाई हैं, अब से 3 महीने पहले दवाई ले गए थे तो उसका रिजल्ट बता रहे हैं, लो बात करो। हेलो हेलो कौन? अरे इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। अच्छा अरे दवाई लेने आए हो क्या? बहुत ही शानदार डॉक्टर है, एकदम ले जाओ दवाई, मेरा तो मामला फिट कर दिया, मैं तो मजे में हूँ।
हकीम जी, मेरा भी कुछ हो जाएगा जुगाड़। अरे कैसी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, आप तो हमसे दवाई लो, तुम्हारी गिल्ली को बल्ला बना दूंगा मैं, बस तुम हमारा ध्यान रखो। तुम तो मेरी बीच की टांग का ध्यान रखो, मेरा हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर रहेगा हमेशा। और हाँ, जिसने मेरे प्यारे हकीम जी पे केस डाला ना, सालों को सबको भर के ले जा रहा हूँ, थाने ले जाकर लट तोड़ूंगा। अरे चाय 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 तो पी लो। अरे चाय कल पीऊंगा जब दवाई लेने आऊंगा। पापा अपने? मुझे 10 रुपए चाहिए थी। 10 रुपए? हाँ 10। अबे बेटे क्या करेगा 10 रुपयों का? प्लॉट लेगा, मकान लेगा या कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा? ना ना कुछ भी ना, वैसी खर्चे को। खर्चा 10 रुपए का तू खर्चा करेगा? मैं मुझे साले गरीब करेगा क्यों? 10 रुपए के खर्चे करेंगे? इतनी तेज रेबट वाल को घुमा के तेरे साले अकल ठिकाना आ जाएगी। 1 रुपये लेना हो तो ले ले, नहीं तो बहुत ही तेज थप्पड़ मारूंगा तेरे में। 1 रुपये मैं तो ना ले लिया, 10 रुपये लूंगा। बैठ जाऊ, मैं दवाई लेकर आ रही हूँ मेडिकल पे से। वो कहीं को हिम्मत जी कभी साले यारों के साथ भागे। बैठ। चूहे की रखवाली करने के लिए बिल्ली को छोड़ के गए बावले। अभी गल्ला खाली करता हूँ सारा। अरे कहाँ गए हकीम जी? मैंने उनसे दवाई मंगवाई थी, तुझे बता के गए कहाँ रखी है? वो तो मेडिकल की दवाई लेने गए, रुको पूछ लूँ मैं। हेलो पापा, वो आए दरोगा जी, दवाई मांग रहे हैं। कौन सी दवाई है? अपने पीछे को देख। हाँ हरे और सफेद डिब्बे रखे 3। हाँ उसके बीच में कबूतर की गर्दन है लाल। हाँ 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 उसके नीचे एक गत्ते का डिब्बा है, उस डिब्बे में से एक डिब्बा दे दे छोटा सा। अरे क्या कह रहे हो? अरे गत्ते के डिब्बे में से एक छोटा सा डिब्बा दे दे। ठीक है। लो यूं रही। तो भैया नासिर कैसे परेशान है, तू बात तो बता। अबे यार उसके घर वालों को पता लग गई दिखे, उसका निकलना बढ़ना बंद कर दिया, अब मैं कैसे मिलूंगा उससे? तू एक काम कर, अपने पापा से बता। तेरे पापा पढ़े लिखे आदमी, जब तू अपने पापा से बताएगा ना कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, तो वो तेरी फीलिंग समझ जाएंगे। तू अपने पापा से बात कर इस बारे में। यार सही कह रहा है तू, चल ठीक है यार मैं मिलता हूँ तुझे शाम को। अबू मुझे कुछ बात बतानी है तुम्हें। बता। वो अब बस बोलता कैसा नहीं है बेटी चोर। अब मैं एक लोंडिया से प्यार करूं। अब जैसा तुम लोगों वैसा होगा। अब ओह मेरा बेटा जवान हो गया। मुबारक हो बेटे, मुबारक हो। कौन लोंडिया वो? अब तो रात हो गई अब, सुबह को तुम पहुंचा लाऊंगा तुम्हें। मेरा रिश्ता पक्का कर दिया नहीं? हाँ चल जाके सो जा, सुबह को देखते हैं। ठीक है। अबू नाराज हो गया, बिस्कुट तो ले लो। नाराज ना हो बेटा, मुझे फिक्र थी दुकान पे घेरा घुरा कर रहे। देखो जी समझन जी, हमारा जो लोटा है इकलौता है, अभी हमसे जिद कर रहा कि ऐसे ऐसे बात है पापा जी, मैं फला लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने कहा शटर बंद कर, चल अभी उसके घर को। और आके देखा तो जो बात है लोटिया बहुत शानदार है आपकी। देखो अब समझन जी, देखो बात रही दहेज की, दहेज के हम सख्त खिलाफ रहते हैं, ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। अगर हमें कोई दहेज लेता हुआ या देता हुआ दिख गया तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाते हैं। अब बात रही हमारे लोंडे की, तुम जो भी दोगी अपने धीरमा दोगी, फरारी दो या मस्टर्ड दो। अब देखो तुम्हारे लोंडे पैदल तो फिरने की ना, इतनी शर्म तो तुम्हें भी है कि तुम 4 रुपयों की दोगी जो भी दोगी। मगर आजकल वैसे जी वैगन चल रही है, जी वैगन तो होनी चाहिए। हाँ मगर अपने मुँह से नहीं कहने के हम कि हमें दहेज दियो, इसके हम सख्त खिलाफ है। इतने नीच खानदान से ही ना पापा, इतने नीच खानदान से ही ना जो बात है। और देखो आजकल वो चल जाते हैं, एक धक्का मारा बैट टूट गया। मुझे भरोसा है तुम कंपनी का दोगी कोई मजबूत सा बढ़िया सा। मगर दहेज हम अपने मुंह से बिल्कुल नहीं मांगेंगे तुमसे, जो बात है जी समझन जी। हम बहुत पढ़े लिखे आदमी है, हमारे दादा पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे, हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा। और हमारे दादा ने MBBS पता कब कर ली? जब MBBS हिंदुस्तान में आई भी ना तब कर ली। अब देखो जी समझन जी, तुम्हारा जो है नाश्ता बहुत पसंद आया, तुम्हारी लोंडिया पसंद आई, और तुम तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आई। तो देखो अब हमें इजाज़त दो, दुकान पर हमारे ग्राहक होंगे, हम चलते हैं। आइए भाई आइए, दरोगा साहब बैठिए। ओहो हमारी दवाई का बड़ा मिसयूज़ कर रहे हो, जब से लेके गए हो मुझे लगा लेने पे लगे पड़े थे। हो
हालत तो देखो अपनी यार, कैसी हालत हो गई, खड़ा भी नहीं हो जा रही है तुमसे। जब से तेरी दवाई खाई है दस्त पे दस्त, दस्त पे दस्त लग रहे हैं, खड़ा तक नहीं होया जा रहा। साले थाने चल, तुझ पर सेंटी फेरूंगा। रुक जा 5 मिनट, अभी आता हूँ। जल्दी से दुकान बंद करके भागूं यहाँ से। अबू, तुमने उन्हें जवाब नहीं दिया, हाँ का जवाब तो दे दो उन्हें बेचारों को। तुम्हारी शादी वहां नहीं होने की है। अबे जरा कैसे कैसे नकली आदमियों में तू ले गया, उनके आदमी कहाँ है, औरती औरत है घर में, उनके घर हम शादी नहीं करेंगे। और हकीम के घर के 3 नियम है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। हाँ, और तूने इन 3 नियमों की मां बहने कर दिया, हम तुम्हारी शादी वहां नहीं करने के। हाँ अनिता, बाद में बन जाइयो, चुप हाँ कर दो। अब तुझसे जब मैंने मना कर दी वहाँ शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ना होने की ना कराऊंगा। बाबू क्या रहे हमारी शादी का? अरे अबू नहीं मानिए, अपनी चला रिया बस, अपनी पूरे घर में कूदा फिर रिया। मगर मेरी जान तू टेंशन मत ले, इलाहाबाद से हाई कोर्ट में हम दोनों शादी करेंगे बिना किसी दिक्कत के। मगर मेरी जान, जो हम शादी के बाद काम करते ना, वो अभी दिल कर रहा करने को, तुम्हारी गुंजे पीटने को दिल कर रहा। आई लव यू। अबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये कौन है? ये तो मेरी अम्मी है। ओए तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अबे जलील तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर कोई यहाँ तुझे देख लिया लोंडिया के साथ तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, गाँव में हर जगह बदनामी हो जाएगी कि हकीम जी का लोंडा लोंडिया के साथ ईख में। और हमारी क्या इज्जत रहेगी? तुम इन्हें लेकर घूम रहा हो, ज्यादा मुंह मत चलाओ। मैं तो इन्हें दवाई देने आया था, दवाई यहाँ जड़ी बूटी निकले है ना इसके अंदर अच्छी अच्छी। यहाँ कौन सी जड़ी बूटी मिल रही? अभी रुको, अभी पिटवाता हूँ, मुंह छिटवाता हूँ तुम्हारा। बेटे तुझे मैंने 20 किलो बादाम खिलाया ना, मार मेरे अब्बू को, चलो भाग। दरवाजा मैं किन जगह लौटना बोली हूँ, तुम मेरे अबू को मारने को फिर रहे हो ना? हाँ बाग वाले रोड पर आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी कहाँ है? देखो वो जा रहे, जल्दी आओ जल्दी। तू चल, मैं आ रही हूँ। क्या हो गया अबू? तुम रुकने का ना हो। अबे ना रुकूंगा, एक बार और कह दो ना रुकने का। अबे बिल्कुल भी ना रुकूंगा। मामा जीजा, तुम मेरी फूल जैसी बहन को धोखा दे रहे हो, उसका आज तक किसी ने नखून तलक नहीं देखा। वो तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाती है। जीजा तुम उसे धोखा दे रहे हो, नहीं छोड़ूंगा। इस साड़ू के साथ खालू अम्मी तुम मारो।